अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़रक्शा ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक न्यू टाइप के फोटो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इस फोटो एडिटिंग में आज मैं आपको PNG भी लगा कर दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी डिमांड है कि भाई PNG भी लगाना सिखाया करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फोटोशॉप एक्सप्रेस को ऑन कर देना है। ठीक है, फोटोशॉप एक्सप्रेस को ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर पिक ऐड कर देना है जिसको आपने एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक मैंने ऐड कर ली है। अब आपने आना है स्प्लैश में। स्प्लैश में आने के बाद आपने इस पर एक और इफेक्ट लगा देना है। कोई भी आप इफेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं RGB वाला लगाऊंगा और इसको माइनस पे कर दूंगा। और इसकी सेटिंग में आना है, क्लैरिटी को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर लेना है। रिड्यूस लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, रिड्यूस कलर नॉइस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब आपने करना कि आपने एक्सपोजर में आना है, एक्सपोजर को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस करना है, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब आपने वाइट में आना है, इसको इंक्रीज़ कर देना है और ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर देना। अब आपने टेंट में आना है, थोड़ा सा टेंट जो है ना इसमें लगा देना है वन पे, और ब्रांड्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब आपने इस पिक को कर लेना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आपने करना है कि आपने सिंपली टॉलवेज फ़ोटो में जाना है। फ्रेंड, मैंने इसको टॉलवेज फ़ोटो में ऑन कर लिया है। अब आपने फ्रेंड आना है इनहेंस में, और यहाँ पर आपने आना है वेव फिल्टर में। वेव फिल्टर में आने के बाद आपने रिड्यूस नॉइज लगा देना है और इसकी पीली पट्टी थोड़ी सी कम कर देनी है। अब आपने आना है शार्पन में। शार्पन में आने के बाद आपने इसको जर्नल पे लगा देना है और इसको पीली पट्टी कम कर देनी है। ठीक है, पीली पट्टी कम करने के बाद आपने फ्रेंड करना कि आपने आना है यहाँ पर इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर आना है सॉफ्ट स्मोज में। सॉफ्ट स्मोज में जैसे ही आपने आना है, इस पे आपने 3 वाला लगा देना है ओल्ड पेंट। अब आपने इस मास्क पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पर ना क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपने इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई आपने सिर्फ हेयर पर करना है। पिक को थोड़ा सा जूम कर लेना है। अप्लाई का मतलब ये है कि आप जिस जगह पर क्लिक करेंगे उस जगह पर ओल्ड पेंट लग जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे पिक बहुत वाजह और बेस्ट लगती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने इस पिक को सेव कर लेना है। ठीक है, अब आपने लाइट रूम अप्लीकेशन ओपन करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसको लाइट रूम अप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने सबसे पहले कलर में आना है। ठीक है, कलर में आने के बाद आपने मिक्स में आना है और यहाँ पर ये ऑरेंज वाला इस पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको माइनस कर देना है और इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है। ठीक है, और लुमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज। अब आपने ग्रीन में आना है, ग्रीन जो है ना इसको आपने माइनस कर देना है, ह्यू और सैचुरेशन इसका फॉलो कर देना है और लुमिनेंस भी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फ्रेंड आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आपने टेक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। अब आपने ना डिटेल में शार्पनिंग इंक्रीज़ करना है और मास्किंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है और नॉइज रिडक्शन को फॉलो कर देना है, कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना और कलर नॉइज रिडक्शन को भी फॉलो कर देना है। और यहाँ तक हो गया। इसके अलावा फ्रेंड आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको पिक्स आर्ट अप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर पिक्स आर्ट अप्लीकेशन में मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आपने सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड, आपने आना है यहाँ पर टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आपने इस पिक को पहले करना है रिसाइज़, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि PNG किस जगह से लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आज आपको, पहले भी ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया कैसे लगाने हैं PNG। अब आपने सबसे पहले करना कि आपने ऐड फोटो पे जाना है। ठीक है, ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपने इस यहाँ पर ऊपर में आना है और यहाँ पर फोल्डर में अपने PNG होंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ तकरीबन, मेरे PNG होंगे तकरीबन यहाँ पर, PNG होंगे तकरीबन यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये तो नहीं है, खैर मैं आपको PNG। आपने ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपने फ्रेंड यहाँ पे फोल्डर ले लेना है। फोल्डर कोई भी आपने ले लेना है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिश टेक्स्ट PNG हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर कोई भी PNG लगा लेना है। ठीक है, जैसा कि मैं ये गर्ल वाला लगाऊंगा। आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने ये क्रॉप कर लेना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपने इसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पर इसको लगा देना है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, ना नीचे ज़्यादा लगाना है, ऊपर लगाना है। ऐसे इसको सिंपली लगा लेना है और आपने ऐड फोटो पे जाना है और इस पर लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखे हुए, तो आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है। लोगो छोटा सा करके इसको यहाँ पर लगा देना है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, अब आपने इसको ओके करके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड, आज का हमारा बस ये था ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।